C'è il minuto, c'è lo brascaro, tutti io tan mascaro, su bascia mi papà chiede a bascaro Henry. E le dojo mi chiede, me carugio manciare, per WhatsApp chiede muge, a bascaro Henry. Lucaro, bocaro, mi mancaro, bocaro. Suba chama mi papa quede a pascaro Henry. तो तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा बच्चों? बहुत बढ़िया, थैंक यू मॉम। हेनरी? क्या? फिर से बोलो हेनरी। पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं मेरा मतलब, ओह चलो छोड़ो। वैसे तुम्हारा दिन कैसा रहा हेनरी? मेरा दिन अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था। मुझे आज बस एक ही बार बाहर खड़ा किया। ठीक है चलो अब ये फालतू की बातें बंद करते हैं हेनरी। तुम क्या सोच रहे हो हेनरी? अगर मेरे जैसे दो होते तो कितना पागलपन होता है ना? ओह तुम अकेले ही सब पर भारी हो हेनरी। ऐसा नहीं है, दो होते तो ट्विन की तरह प्यार से रहते। क्या आज फिर से मंचूरियन बनाया है मॉम? हाँ तो कुछ नहीं। वाह कितना टेस्टी है, इतना अच्छा मंचूरियन तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में हेनरी तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ मॉम, देखिए मैं एक और चम्मच खा रहा हूँ और इस बार तो चम्मच भर के खा रहा हूँ। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम कितने ट्विंस को जानते हैं? मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं कुछ सोच रहा हूँ। मॉम क्या मुझे फोन मिल सकता है? सच में शोना मोना? अच्छा बताओ हम कितने ट्विंस को जानते हैं? देखिए एक तो मिस बेटल एक्स और उनकी बहन है, फिर एक हर्ष हर्ष ट्विंस है पर उनका एक और भाई है, और फिर दो डिनर लेडीज हैं। ये सब सोच के ही डर लग रहा है। और दो मेरे ट्विंस भी तो होंगे क्योंकि बड़े होके मेरे भी दो ट्विंस होंगे, है ना मॉम? जरूर होंगे शोना मोना। इसकी अकल घास खाने गई है क्या? इसे कैसे पता कि इसके बच्चे बड़े होकर ट्विंस ही होंगे? मुझे पता है ना मॉम? हाँ मेरे शोना मोना, और मैं उन्हें गोद में लेने के लिए बेकरार हूँ। मॉम क्या मुझे फोन मिल सकता है? एन ओ का मतलब नो होता है हेनरी। अब चुपचाप अपना मंचूरियन खाओ। नहीं। ये तो गलत बात है, अगर मेरे जैसे दो होते तो एक मंचूरियन खाता और दूसरा पूरे दिन चॉकलेट कैंडीज गोल्डन गेट गार्डन पिज्जा खाता। मेरे जैसे दो होते तो मजा ही आ जाता, दुगनी मस्ती करते, है ना फैंग? हाँ भाई हाँ। उठने का टाइम हो गया बच्चों। मॉम कह रही है उठने का टाइम हो गया हेनरी, नहीं तो हो? तुम तो हेनरी नहीं हो। मैं ही हेनरी हूँ। नहीं तुम नहीं हो, वैसे तुम वही हो पर नहीं हो। डुप्लीकेट हूँ। सच्ची? उसका सच में डुप्लीकेट है? हाँ कीड़े उसका है और वो मैं हूँ। फिर तो डुप्लीकेट को भी मुझे कीड़ा ना बुलाने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं और अब ये बता कि ब्रेकफास्ट में क्या है? ब्रेकफास्ट नीचे है, हेनरी तब तक बिस्तर से नहीं उठता जब तक मॉम ऊपर आकर उससे नहीं चिल्लाती, फिर कभी कभी वो वापस सो जाता है और दोपहर तक नहीं उठता। ऐसा क्या? तो चलो देखते हैं मैं उसे पागल बंदी में हरा पाता हूँ या नहीं। हो मॉम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करने वाली। हाँ भाई हाँ। क्या बात है, बताऊंगा तो तुम कभी भरोसा नहीं करोगे। हाँ भाई हाँ। हेनरी तमाशा बंद करो। हेलो हेलो, मेरा मतलब है हेलो, अभी तो तुम्हारे सोने का टाइम है ना? हाँ वो तो है, मेरा मतलब नहीं।
वैसे वो जोर की आवाज किस चीज की थी? वो तो मैंने अपनी फ्लेक से भरी प्लेट नीचे फेंक दी थी, क्योंकि मॉम ने मुझे चौकस खाने से मना कर दिया और प्लेट बाउंस नहीं हुई। हाँ, वो बाउंस नहीं होती। फिर मैंने मॉम से कहा एक वीक, एक महीने, एक साल तक कोई काम नहीं करूँगा। फिर मैंने जोर से किचन का दरवाजा बंद किया और शेयर करते हुए फटाफट ऊपर भागा। कैसी लगी मेरी पागलपंती? वैसे मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए। रुको हेनरी, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? हाँ हाँ बताओ, क्या ठीक नहीं है? घोचम घोचू घोचे लाल, ऐसा क्यों है कि तुम्हारा डुप्लीकेट हेनरी है और मेरा डुप्लीकेट पीटर नहीं है? अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे भी उतना मालूम है जितना तुझे पता है पीटर। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, तुम तो दुगने कीड़े बन जाओगे, लेकिन मेरा, हम दुगने परफेक्ट हो जाएंगे पीटर। सही पहचाना पीटर, परफेक्ट पीटर, सही पहचाना। मैं इतना परफेक्ट हूँ कि मेरे नाम में दो परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट पीटर। आपकी सेवा में हाजिर हूँ परफेक्ट पीटर। मैं जाता हूँ। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। पर तुम तो घर का कोना कोना जानते हो। ये पागलपंती नहीं बेवकूफी है, ये पागलपंती ही है और मॉम भी इसे पागलपंती ही समझती है। वैसे तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ पागलपंती नहीं करनी चाहिए, मतलब अपने आप के साथ। ये मिस्टेक के लिए है, तुम इसे जमीन पर नहीं पटक सकते। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। हाँ भाई, हाँ। और ये फैंग है। उफ, सॉरी फैंग। हाँ भाई, हाँ। हेनरी, क्या तुम अंदर हो? हेनरी, तुमने फिर से पजामा क्यों पहन लिया? तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। क्या? याद आया, सॉरी मॉम। जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे हम ब्रेकफास्ट के टाइम की हरकत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डैड को संभाल लूँगा। उनकी सारी चतुराई तेल लेने चली जाएगी जब मैं उनका कैलकुलेटर खराब कर दूंगा और उनकी सारी फाइल्स डस्टबिन में फेंक दूंगा। हाँ, लेकिन ये सब स्कूल के लिए तैयार हूँ मैं हूँ, मतलब हम दोनों हैं। देखो मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है और अपना टिफिन भी। हे, मेरे लिए रुको, मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ। डुप्लीकेट को मैनेज करना आसान नहीं होता। गुड मॉर्निंग गधे। गुड मॉर्निंग नखरे वाली लड़की जिसके बाल में भी नखरा है और चाल में भी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है पीटर। हाँ, मेरा दिमाग इतना ठीक है जितना किसी का कभी नहीं हो सकता। और मैं मिस लवली को पीटर के दिमाग के चिराग से मिलाने वाले का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छी तुकबंदी थी पीटर। और आज मैं इतना पागल बन गया हूँ कि तुम किसी और पागल से मिलने की हिम्मत भी नहीं करोगी। अच्छा, तो तुम क्या करने वाले हो? स्कूल के बाद मुझसे फिसल पट्टी में मिलना नचड़ी। आज तेरा चैप्टर यही खत्म कर दूंगा मैं। कौन बोल रहा है? दुनिया का सबसे पागल लड़का बोल रहा है। तो तुम यहाँ हो हेनरी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शुक्रिया छोटे भाई। तो क्या हम अंदर चले? नहीं, मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए, हम स्कूल तो आ ही चुके हैं। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? ओह, हम थोड़ा दिल गार्डन गार्डन हो गया है देखेंगे, थोड़ा ग्रॉस क्लास जीरो देखेंगे, पर रियल में कोई ग्रॉस काम नहीं करेंगे। लेकिन घर गए तो मॉम क्या कहेगी? चिंता मत करो हेनरी, मॉम से बात मैं कर लूँगा। इसे पकड़, इसे पकड़ के दिखा दे चली। चढ़े कहीं के, इसे पकड़ो और इसे भी पकड़ो। और ये कभी मत सोचना कि ये फिसल पट्टी तुम मुझसे छीन सकते हो। नक्षड़े, कम अकल नक्षड़े, कम अकल सड़ेली। उठने का टाइम हो गया बच्चों। हाँ भाई, हाँ। डुप्लीकेट चला गया। हाँ भाई, हाँ। ये अच्छी बात है कि बस एक ही हेनरी है। हाँ भाई, हाँ। हम ही बचे हैं।
चिपक मत कीड़े। मुझे कीड़ा मत बुलाओ हेनरी। ठीक है तो फिर गंदे बदबूदार बच्चे चलेगा। अच्छा हुआ कि वो एक सपना ही था हेनरी। हाँ शायद हो सकता है, सपना ही होना चाहिए। बुरा हुआ, बुरा हुआ, ये एस्टन प्राइमरी स्कूल के लिए बहुत बुरा दिन है। बुरा हुआ। और मैंने ये भी सुना है कि बच्चे इसे नकचढ़ों का युद्ध कह रहे हैं। बुरा हुआ, बुरा हुआ, हम लोग ये दिन कभी नहीं भूल पाएंगे।